चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. क्वेश्चन रीड करो. इन इंटरफेरेंस इफ आई मैक्स अपॉन आई मीन इज इक्वल टू 144 अपॉन 81 देन व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द इंटरफेरेंस वेव. देखो एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी में क्या रिलेशन होता है. इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है. ठीक है, यानी आई इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर. ए क्या है, स्मॉल ए, एम्पलीट्यूड है. तो इट मीन्स अगर आई वन इज प्रोपोर्शनल टू ए वन स्क्वायर आप लिखो, आई टू इज इक्वल टू इज प्रोपोर्शनल टू ए टू का स्क्वायर लिखो. इट मीन्स आप इसको ऐसे लिख सकते हो, आई वन इज इक्वल टू के ए वन स्क्वायर और इसको आई टू इज इक्वल टू के ए टू स्क्वायर. सो आई वन अपॉन आई टू इज इक्वल टू ए वन स्क्वायर अपॉन ए टू स्क्वायर, या आप इसको I1 वन बाई आई टू स्क्वायर रूट ले लो इज इक्वल टू ए वन अपॉन ए टू, इसको ऐसे लिखा जा सकता है. ये होगा करेक्ट ना. अब जरा ध्यान से देखो आई मैक्स की वैल्यू क्या होती है. आई मैक्स जनरली हम लोग लिखते हैं क्या, आई मैक्स की वैल्यू अंडर रूट में आई वन प्लस अंडर रूट में आई टू का होल स्क्वायर लिखते हैं. और आई मिनिमम की वैल्यू क्या लिखते हैं, अंडर रूट में आई वन माइनस रूट आई टू का होल स्क्वायर लिखते हैं. और जब इसे डिवाइड किया जाता है आई मैक्स अपॉन आई मिन, और ये वैल्यू एग्जैक्टली ऐसे आ जाती है. लेकिन अगर अगर मैं इसको रूट आई टू को कॉमन ले लूं, जैसे मैं इसको एक बार लिख दे रहा हूं, ठीक है, ये मैंने रिपीट कर दिया. अब मैं आई टू अगर कॉमन ले लेता हूं तो ये वैल्यू आती है आई वन रूट में आई वन अपॉन आई टू प्लस वन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय रूट आई वन अपॉन आई टू माइनस वन का होल स्क्वायर, यानी आई मैक्स अपॉन आई मिन की ये वैल्यू हुई. अब इसमें ध्यान देना है कि आई वन अपॉन आई टू रूट में जो होती है उसकी वैल्यू ए वन अपॉन ए टू होती है. तो यानी आई मैक्स अपॉन आई मिन की वैल्यू जो होगी वो होगी ए वन बाई ए टू प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन ए वन बाई ए टू माइनस वन का होल स्क्वायर. और अगर हम इसमें ए वन बाई ए टू को जेड कंसिडर कर लें तो जो आई मैक्स अपॉन आई मिन है, ये मैक्स है आई मिन है, ये वैल्यू होगी जेड प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन जेड वन, क्यों लिख दिया मैंने, एक मिनट इसको ठीक कर दें, जेड प्लस वन, जेड प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन जेड माइनस वन का होल स्क्वायर. ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट लोगे तो आई मैक्स अपॉन आई मिन अंडर रूट में हो जाएगा इज इक्वल टू जेड प्लस वन अपॉन जेड माइनस वन. अब इसको जब सॉल्व करोगे तो जेड की वैल्यू जनरली आती है अंडर रूट में आई मैक्स अपॉन आई मिन प्लस वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट में आई मैक्स अपॉन आई मिन माइनस वन. अब आई मैक्स अपॉन आई मिन की वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया हुआ है 144 बाई 81 ये पुट करें तो जेड की वैल्यू आएगी 12 बाई 9 प्लस 1 अपॉन 12 बाई 9 माइनस 1, ये आएगी. ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 बाई 3 प्लस 1 अपॉन 4 बाई 3 माइनस 1, इट मींस इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 7 बाई 1 आ जाएगा. तो z की वैल्यू, z क्या है, a1 बाई a2, यानी a1 बाई a2 की वैल्यू आ रही है 7 बाई 1. तो कौन सा ऑप्शन अप्रोप्रिएट है, बी वाला ऑप्शन ज्यादा अप्रोप्रिएट है. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं.